दीपक बहुत टाइम बाद हमारे वीडियो में आया है, लेकिन दीपक जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसका पूरा एक्सपीरियंस हमें सुनाने वाला है। तो वीडियो जो है वो पूरा देखना। अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हो, ऑलरेडी कर रहे हो, या आप पास आउट हो चुके हो और कहीं जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे पहले हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम लोग हमारे डेली लाइफ वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो देख लो। हाँ, वो जरूर देखना। उसमें आपको सारे हमारे लाइफ के खट्टे मीठे पल, सारे मतलब डेली लाइफ में क्या करते हैं, कैसी हमारी लाइफ, वो आप उसमें देख सकते हो। तो दीपक, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। नाउ द मंच इज तुम्हारा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मेरी जर्नी, मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी रही है। आई स्टार्टेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 2010 में, और अब ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मुझे मेरी इंजीनियरिंग खत्म किए हुए। और अब मैं कहाँ हूँ, कैसे कैसे मेरे फेजेस लाइफ के निकले, क्या क्या डिफरेंट डोमेन्स मैंने ट्राई किए, और क्या मैं सोचता था जिस टाइप की कंपनीज में, जिस प्रोफाइल पे मुझे जाना है, क्या मैं वहाँ पर हूँ या नहीं, वो मैं सब आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं 2010 से। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म की 2010 में, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है और मीडियम रैंक का कॉलेज है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज था या बहुत ज़्यादा कम। तो वहाँ से मैंने 2010 में फिनिश की। उसके बाद जैसा कि कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो प्रोफाइल्स होते हैं कि आप एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर या फिर हार्ड कोर जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग या थर्मल पावर प्लांट, उस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वही मैंने किया। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो डिज़ाइन में ज़्यादा था, ऑटोमोटिव डिज़ाइन में, लेकिन तब इतना आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि कहीं भी जाओ आपको एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको फ्रेशर्स बड़ी ही मुश्किल से जॉब मिलती है। मैं तो कहूँगा बड़ा ही रेयर है जो मिले। तो मैंने शुरू की एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जो मैं एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर मैंने काम करना शुरू किया। एक अच्छी कंपनी थी, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ उसमें। तो वहाँ मैं करीबन 3 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे ये नहीं करना है और मुझे डिज़ाइन में ही करना है। क्योंकि एक जो फैक्ट है वो ये भी है कि जो आपका जो वर्किंग लाइफस्टाइल है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है डिज़ाइन इंजीनियर का और बाकी जो हार्डकोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स हैं उनमें। ये एक मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम करते हो, एक वाइट कॉलर जॉब होती है, आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सैलरीज अच्छी होती हैं कंपेरेटिवली अदर मैकेनिकल बैकग्राउंड जो जॉब्स होती हैं उनके कंपेरिजन में, जो एक सच है। तो मैंने अपना शुरू किया, 3 महीने वहाँ पे मैं जॉब करता रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं यार मेरे को ये नहीं करना, कुछ और करना है। वहाँ से मैंने जॉब छोड़ी और मैंने जो टूल्स होते हैं, जो डिज़ाइन टूल्स होते हैं, वो सीखे। फॉर एग्जांपल मैंने कैटिया यूनिग्राफिक्स और या ये दोनों टूल्स के साथ शुरुआत की। मैंने ये टूल सीखे अराउंड 1-1.5 मंथ मैंने इनकी ट्रेनिंग ली एक इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद तो मुझे लगा चलो अब तो जॉब इजीली मिल जाएगी, अब तो मैंने डिज़ाइन टूल सीख लिए हैं। फिर मैंने जॉब से अप्लाई करना शुरू किया, तब रियलिटी पता चली कि टूल्स भले सीख लिए हैं पर आपको डिज़ाइन का बैकग्राउंड मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एज ए फ्रेशर बड़ा ही मुश्किल है जॉब मिलना। कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए तो हो जाए। फिर मुझे पता चला कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि मैंने डिसाइड किया था मुझे इसी डोमेन में जॉब करनी है। तो फिर मैंने कुछ जो छोटी कंपनी स्मॉलर कंपनीज होती हैं जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, वहाँ पे मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो अराउंड 1.5-2-3 महीने में ऐसे ट्राई करता रहा। फिर मुझे एक कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली जो रिलेटिवली थोड़ी छोटी कंपनी थी उस टाइम पर, सैलरी मैं ना ही बताऊँ तो अच्छा है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पर मैंने, लेकिन मुझे सीखना था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने वो जॉब कर ली। तो सैलरी मतलब ये मान लो आपकी मेरे को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते थे महीने के, लेकिन फिर अच्छा रहा। वहाँ पे मैंने अराउंड 6-8 महीने प्रॉपर मतलब काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा, जो एक बहुत अच्छी चीज़ रही मेरी लाइफ की। वहाँ से मैं सीखने के बाद फिर मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू किया कि यार चलो अब थोड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब अप्लाई करते हैं तो अब ईजी रहेगा, पर फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने वो जॉब छोड़ के, जो मेरा बॉस था अच्छा बंदा था, मैंने उससे बात की, उसने बोला ठीक है तुम जा सकते हो, तुम और जगह ट्राई करना है। तो जॉब छोड़ के मैं बैंगलोर गया। बैंगलोर में मैं अराउंड 4-5 महीने मैंने वहाँ पे जॉब सर्च की और ट्राई करता रहा, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर अगेन मैंने एक छोटी सी कंपनी थी जो क्या करते थे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराते थे, लेकिन मुझे पैसे देने पड़े उन्हें।
कुछ अराउंड 3-4 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया जो अच्छी लर्निंग रही। उसके बाद फिर मेरे को समझ आया कि हाँ यार डिज़ाइन में होता क्या है, कैसे करना होता है। फिर मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू की, फिर मुझे एक कंपनी में जॉब मिली, वो की मैंने, फिर मतलब फिर एक तरह से आपका पाथ सेट हो गया। फिर मैं उस फील्ड में डोमेन में एंटर कर गया। फिर काफ़ी जगह जो मतलब अराउंड 2 या 3 कंपनीज में मैंने अभी तक टोटली 3 कंपनीज में मैं इससे पहले जॉब कर चुका हूँ। अभी तक अराउंड 12 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना जो डोमेन था वो हार्डकोर मैकेनिकल डोमेन से चेंज करके डिज़ाइन में या सॉफ्टवेयर फील्ड में एंटर किया, सॉफ्टवेयर इन द सेंस मैकेनिकल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स में। तो अब जाके जब मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि हाँ मतलब डिज़ाइन में भी बहुत सारे फेजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एज ए ऑटोमोटिव डिज़ाइन इंजीनियर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका गोल होता है यार कि यार मुझे OEM में काम करना है। तो जो मैकेनिकल डोमेन्स हैं उन्हें पता है OEM क्या होता है। तो फिर मुझे लगा कि यार OEM में कैसे जाएँ और बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा OEM में जाना है। फिर पहले मैंने सर्विस इंडस्ट्री से शुरू किया, फिर Tier 1 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और एंड ऑफ द डे फाइनली अभी मैं एक OEM में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरी जो जर्नी रही है मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो अभी जो लोग मैकेनिकल से पढ़ रहे हैं या जिनको डिज़ाइन में अपना करियर बनाना है उनको एक आइडिया मिल जाएगा। जो आप अपने एक्सपीरियंस से 2 या 3 साल बाद सीखोगे वो मेरे एक्सपीरियंस से आप अभी समझ सकते हो। तो जो मैं आपको गाइड करूँगा, और हाँ अभी मैं फ़िलहाल जर्मनी में रहता हूँ, और अगर मैं श्योरिटी मतलब रियलिटी बताऊँ, अगर मैं पुराने अपने प्रोफाइल पर होता तो मैं नहीं आ पाता बाहर, क्योंकि ये फैक्ट है जो हार्डकोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स हैं उनसे बाहर अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अब मैं बिल्कुल जीरो तो नहीं कहूँगा क्योंकि एक्सेप्शन होते हैं, पर जीरो के बराबर ही मान लो आप। लेकिन डिज़ाइन से अगर आप हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाहर जॉब पाने के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए और क्या मैंने की और कैसे आप बाहर जॉब पा सकते हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी जॉब की है, स्टार्ट की है डिफरेंट डोमेन्स में और डिज़ाइन में आना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि आप टूल्स सीखें। टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे CATIA, यूनिग्राफिक्स, ये 2 बड़े मेजर टूल्स हैं जो सारी मेजॉरिटी कंपनीज यूज़ करती हैं डिज़ाइन के लिए। ये सीखिए, अच्छे से सीखिए। इनकी भी 2 अप्रोच होती हैं, एक सिर्फ टूल सीखना और एक टूल सीखना डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसी कोचिंग या ऐसे जगह से इंस्टीट्यूट से सीखिए जहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने काम किया हो इंडस्ट्री में, ताकि आपको राइट अप्रोच बता सकें। क्योंकि टूल सीख के आप जाके टूल टेस्ट दोगे किसी कंपनी में, आपको एक पार्ट दे देंगे डिज़ाइन करने का, आपको डिज़ाइन अप्रोच नहीं पता, आपको भले टूल कितने अच्छे से आता आप नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो आप ये कीजिए। जो लोग कॉलेज में हैं वो अभी से शुरू कर सकते हैं तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये करने के बाद आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी छोटी कंपनी देखिए जहाँ पे आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिले। आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि सैलरी ना देखें शुरू में, ध्यान मत दो, आगे जाके सब सेट हो जाता है। शुरू में आप कोशिश करें कि प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऑफकोर्स कई लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी नहीं होती कि वो कम सैलरी पे काम कर सकें या फिर अलग से कर सकें, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप टूल सीख सकते हो, तो वो करो। कुछ प्रोजेक्ट्स आप कॉन्टेक्ट्स बनाओ, लोगों से सीख, जो लोग डिज़ाइन फील्ड में उनसे बात करो, उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लो, उस पर काम करने की कोशिश करो। इस तरीके से आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप जॉब अप्लाई करोगे ना जब आप, तो आपको चांसेस है ईजिली जॉब मिलने के। फिर आप बात करते हैं कि बाहर कैसे देखा जाए। तो जब आप अराउंड, मैं बोलूँगा कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, मिनिमम 4 साल मैं बोलूँगा, 4 साल जब आप इस फील्ड में काम कर लो तो आप डायरेक्टली बाहर भी जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। पहली चीज़ तो होती है ऑफकोर्स आपको कंपनीज ऑन साइट भेजती हैं, और ये डोमेन ऐसा है इसमें आपको बहुत चांसेस होते हैं बाहर जाने के। दूसरा, अगर आपको नहीं मिल रहा ऑन साइट तो आप डायरेक्टली भी जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, और इस डोमेन में रिक्वायरमेंट बहुत है, स्पेशली जर्मनी में, जापान में, क्योंकि ये ऑटोमोटिव हब कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री की बहुत रिक्वायरमेंट है, इनको बहुत ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो चांसेस हैं आपको डायरेक्टली भी जॉब मिल सकती है। तो ये एक तरीका रहेगा आपको बाहर जॉब पाने का। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने डायरेक्टली इंडिया से जॉब अप्लाई की थी और मुझे जर्मनी में जॉब मिल गई थी। और फिर एक बार जब आप बाहर आ जाते हो तो आप धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हो। तो दोस्तों, ये रही है मेरी अभी तक की जर्नी। टोटली मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया, जो जो सीखा है। हो सकता है कई लोगों के लिए सही सेट हो, कई लोगों के लिए गलत सेट हो, सबकी अपनी एक जर्नी रहेगी।
पर लेकिन हो सकता है आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें, और होपफुली आप हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू दीपक, तुमने ये सब चीज़ें बताई, और दीपक की पूरी प्रोफेशनल जर्नी को आपको बताने का मतलब यही है कि अगर आपको एज ए जर्मनी अपना करियर या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो आप इस तरीके का पाथ फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली इसने भी अपने रास्ते जो है वो खुद ही ढूंढे थे। तो हाँ, मैंने भी मतलब गलतियां कर करके सीखा था कि ये करके देखता हूँ, ये नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, तो आप होपफुली वो गलती ना करो। हाँ, और एक आपको पाथ मिल जाए एटलीस्ट, अगर आपको सेम पर्टिकुलर चीज में काम करना है आगे जाके, और आप एज ए एब्रॉड को या जापान या जर्मनी को एज ए आप सोचते हो कि आपको काम करना है, तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है आपको काम आए। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना, आपको कोई नई नॉलेज मिली इस वीडियो से तो वो भी कमेंट करना, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, फिर से दीपक, हमेशा मैं 500 लाइक का वो टारगेट देती हूँ वीडियो में, तो इसमें भी 500 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ लाइक करें बिना जो है वो मत जाना, और सब्सक्राइब और शेयर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं पर्टिकुलर, दीपक ने जो भी बताया, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो सकता है उनका कुछ जो है वो फायदा हो जाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय।